नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी स्टूडियो में। साथियों, आज की हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो लेकर आए हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको ग्राफ्रेम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसके की जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हैं वो आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इसके बाद आपको हम गेज सेटिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे गेज सेटिंग, ठीक है, फिर ड्राफ्ट बताएंगे, और उसके बाद डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग का जो पूरी यूनिट है वो कवर हो जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी हमारा दोस्त अभी नया जुड़ा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ड्राफ्टिंग होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले देखेंगे हम ड्राफ्टिंग। तो जो हमारा कार्डिंग से स्लाइवर आता है, उससे जो हमारा कार्डिंग से स्लाइवर आया तो उसको हम ड्राफ्टिंग यूनिट से पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी ब्लो रूम में जो भी हमारा रॉ मटेरियल आता है वो ब्लो रूम में उसकी बीटिंग, मिक्सिंग और क्लीनिंग होती है। उसके बाद कार्डिंग से सेक्शन में आता है। कार्डिंग से हमें एक स्लाइवर मिलता है, ठीक है। तो फिर वो स्लाइवर हम ड्राफ्टिंग में ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ क्या होता है, हम जो हमारा कार्डिंग से है वो ऑर्डिनरी स्लाइवर होता है, उससे क्या हम करते हैं जो भी मास वेरिएशन उसमें होता है वो हमारा ड्राफ्टिंग से रिमूव हो जाता है। तो वही लिखा है, कार्डिंग से प्राप्त स्लाइवर को हम क्या करते हैं ड्राफ्टिंग से पास कराते हैं, और ऑर्डिनरी स्लाइवर में मास वेरिएशन होता है। जो कार्डिंग का स्लाइवर होता है उसमें मास वेरिएशन होता है, जिसके कारण बनने वाला यार अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता। देखिए, जो कार्डिंग से हमारा कार्डिंग का जो स्लाइवर होता है उसमें स्लाइवर इस प्रकार होता है, कहीं ऐसा इधर उधर, मतलब उसके जो कोई बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ये सिस्टम होता है। तो अगर ये बना रहेगा तो हमारा यार्न जो बनेगा वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें स्लाइवर से मास वेरिएशन को कम करना है। वो किससे होता है, वो हमारे ड्राफ्टिंग से कम होता है। यह प्रोसेस ड्राफ्टिंग के द्वारा कंप्लीट होती है। इसमें स्लाइवर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब स्लाइवर को स्ट्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है ड्राफ्टिंग के, तो इसका पहला ऑब्जेक्ट है टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्लाइवर, स्लाइवर की यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करना। सेकेंड है टू मेक द फाइबर पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द एक्सिस ऑफ स्लाइवर, यानी स्लाइवर को प्रत्येक से कैसा करना, पैरेलल करना। यहाँ पे कुछ लिखा है नोट में, यूनिफॉर्मिटी इम्प्रूव फ्रॉम डबलिंग एंड डबलिंग कंप्लीटेड ऑलवेज इवन नंबर ऑफ मिसिंग, यानी जो हम यूनिफॉर्मिटी इम्प्रूव कर सकते हैं वो ओनली हम डबलिंग से ही कर सकते हैं, और डबलिंग जो है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ स्लाइवर की जाती है। लाइक जैसे कि हमारा 2, 4, 6, 8, 14, ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हैं डबलिंग, और डबलिंग के द्वारा ही हमारी यूनिफॉर्मिटी इम्प्रूव होगी। प्रिंसिपल क्या है इसके, देखिए तो ये दो मेनली दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला हमारा है डबलिंग, दूसरा होता है हमारा ड्राफ्टिंग। तो डबलिंग में क्या होता है, इसमें हम 4 से 6 स्लाइवर को मिक्स करके एक स्लाइवर, यानी 4 से 6 स्लाइवर है, हम इनको मिक्स करके लास्ट में फाइनली हम एक स्लाइवर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम डबलिंग कहते हैं, ओके। इन दिस प्रोसेस लीनियर डेंसिटी इज लेस बाय हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग, यानी हम लीनियर डेंसिटी को कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग। सेकेंड हमारा है प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, यार्न की अनइवननेस को दूर करने के लिए ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी यार्न में जो असमानताएं होती हैं इसको दूर करने के लिए हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में लैब को स्लाइवर के रूप में लगभग 100 गुना पतला किया जाता है। लाइक जाहिर सी बात है कि जब हम स्लाइवर की ड्राफ्टिंग, स्लाइवर में खिंचाव आएगा तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया है। देखिए, ये जो हमारी है एक कार्ड कैन है, जो कार्डिंग से आई हुई कैन
वो है। और यहाँ पे हमारा स्लाइवर इस प्रकार इन रोलर्स यानी प्रेशर रोलर यानी हम डिलीवरी रोल बोल सकते हैं, इनसे पास होता हुआ इसे ट्रेवर्सिंग रोल से होता हुआ ये हमारे यहाँ पे गाइड प्लेट दिया है। स्लाइवर को क्या करती है, गाइड करती है, एक समान बनाए रखती है। फिर ये हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम, इससे पास होकर यहाँ पे फ्रंट रोलर है, मिडिल रोलर है, बैक रोलर। अब यहाँ फ्रंट रोलर की स्पीड हम ज़्यादा रखते हैं यानी इसकी स्पीड ज़्यादा इससे ये, ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इससे कम इसकी स्पीड, इससे कम इसकी स्पीड, ठीक है, जिससे कि हमारी ड्राफ्टिंग सही से हो सके। फिर हमारा ट्रम्पेट से पास होता हुआ एक कैलेंडर रोल से होता हुआ नीचे की ओर चला जाता है, कार्ड जो हमारी ड्राफ्टिंग कैन है उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। ये देखिए कॉइल के रूप में होता हुआ इस कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। आइए तो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या बताया कि ड्राफ्टिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बताए आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेज, गेज क्या होता है। तो गेज होता है गाइस, जैसे कि यहाँ पे दो रोलर्स हैं, ठीक है, अब इन दो रोलर्स के बीच की जो सेटिंग है इसको ही हम गेज सेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रोलर के दोनों सरफेस के बीच की सेटिंग को हम गेज या गेज सेटिंग कहते हैं। बैक ड्राफ्ट रोलर या मिडिल रोलर अथवा मिडिल रोल या फ्रंट रोल के बीच की गेज सेटिंग फाइबर की स्टेपल लेंथ पर डिपेंड करती है, यानी गेज हम अकॉर्डिंग टू फाइबर्स के अनुसार ही हम गेज सेटिंग करते हैं, यानी उसकी स्टेपल लेंथ के अनुसार ही करते हैं। बैक ड्राफ्टिंग जोन में गेज अधिक व फ्रंट ड्राफ्टिंग जोन में गेज कम रखा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि ये बैक रोल है और ये मिडिल रोल, इनके यहाँ पे देखिए मिडिल रोल और फ्रंट रोल के बीच की दूरी को कम रखेंगे और इसकी दूरी इसके अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे फ्रंट जोन में हम क्या करते हैं, गेज सेटिंग कैसे रखते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ यानी जो हमारी कॉटन की लेंथ है प्लस 3 mm हम ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद मिडिल जोन में देखिए इफेक्टिव लेंथ प्लस 6 mm और इसमें बैक जोन में इफेक्टिव लेंथ प्लस इसमें 3, इसमें 6, इसमें 9, यानी 3-3 बढ़ाते रहते हैं। गेज हमेशा स्लाइवर से अधिक होना चाहिए क्योंकि स्लाइवर से कम रखने पर निम्न, अब देखिए गेज हमेशा स्लाइवर से कम होना चाहिए, अगर कम रखें हमेशा कैसा ज़्यादा होना चाहिए, अगर हम कम रखेंगे तो क्या होगा, स्लाइवर डैमेज ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम निकलेगा क्योंकि ज़्यादा वेस्ट निकलेगा, इस वजह से प्रोडक्शन कम होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, शॉर्ट फाइबर इंक्रीज होंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको गेज बता दिया, उसके बाद आप देखते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है। तो ड्राफ्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट, मैकेनिकल, दूसरा हमारा होता है एक्चुअल ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला मैकेनिकल, दूसरा एक्चुअल। मैकेनिकल क्या होता है, वी फाइंड इट बाय द सरफेस स्पीड ऑफ रोलर, यानी मैकेनिकल के द्वारा हम सरफेस स्पीड ऑफ रोलर की सरफेस स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्ट दिया है, सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर अपॉन ऑफ फ्रंट पेयर रोल अपॉन सरफेस स्पीड ऑफ बैक पेयर रोल, यानी इसके द्वारा मैकेनिकल ड्राफ्ट, अगर हमें सरफेस स्पीड हमें फ्रंट रोल की स्पीड दी है और इसकी दी है तो हम मैकेनिकल ड्राफ्ट फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल ड्राफ्ट दिया है, इसका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। अब देखिए ड्राफ्टिंग सिस्टम आइए पढ़ लेते हैं। तो देर आर 6 टाइप है हमारी डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम, 6 प्रकार की होती है, एग्जाम में आते रहते हैं। पहला होता है हमारा कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग सिस्टम, यानी 4x4 की, यानी हम 4x4 रोलर्स का यूज करते हैं। दूसरी हमारी 3x4 यानी 3x4 की है, और तीसरी हमारी 4x5 की है, चौथी 3x5 की है, पाँचवीं हमारी 2x2 और लास्ट में हमारी है 3x3। ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही ड्राफ्टिंग सिस्टम यूज होता है 3x3 का, ठीक है, यही सिस्टम यूज होता है। ओके तो आइए अब देखते हैं हम कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या देखेंगे। कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग सिस्टम, तो दिस इज द ओल्डेस्ट ड्राफ्टिंग सिस्टम एंड नाउ इट इज एब्सोल्यूट इन द डेवलप्ड कंट्री। ये हमारा पुराना ड्राफ्टिंग सिस्टम है और ये अब अपने इंडिया में अब्सेंट, इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। ये जो हमारी डेवलप्ड कंट्री लाइक हमारा ची वो रसिया रूस है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ड्राफ्टिंग सिस्टम अभी है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 pairs of rollers, इसमें 4 pairs of rollers लगे होते हैं, यानी 2 हमारे मिडिल होते हैं, फ्रंट और बैक। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 pairs of rollers इज कॉल्ड रोलर सेटिंग, यानी 2 रोलर्स के बीच की डिस्टेंस को हम रोलर सेटिंग या गेज सेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम है, ठीक है।
दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट गवर्न द रेगुलेटरी ऑफ रिजल्टेंट फाइबर. द डिस्टेंस ऑफ रोलर इज सेट अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉटन. यानी हम दो रोलर्स के बीच की जो हम डिस्टेंस सेट करते हैं वो हम इफेक्टिव लेंथ के अनुसार, जो कॉटन की इफेक्टिव लेंथ होती है उसके अनुसार ही सेट करते हैं. द रोलर सेटिंग हैज़ टू बी मोर देन द मैक्सिमम फाइबर लेंथ ऑफ द मटेरियल, अदरवाइज सम ऑफ द लॉन्गर फाइबर विल बी क्रिप्ड बाई टू पेयर ऑफ रोलर एंड ब्रेक. अगर हम इसकी सेटिंग इफेक्ट वो कॉटन की इफेक्टिव लेंथ के अनुसार नहीं करेंगे तो हमारी जो हमारा मटेरियल है वो ग्रिप हो जाएगा, इससे हमारे जो हमारा मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी. ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट बैटिंग सिस्टम. ये क्या होता है गाइस, पहले अब तो नहीं होता है, पहले क्या होता है हम गेज सेटिंग करते हैं, उसके नीचे हम क्या करते हैं जो हमारे रोलर्स होते हैं उसके नीचे कुछ बैट लटका देते हैं, वजन लटका देते हैं, और इसी को हम डिफरेंट बैटिंग सिस्टम या ड्राफ्टिंग सिस्टम बोलते हैं. तो गाइस देखिए बैटिंग सिस्टम होता क्या है. किसी भी ड्राफ्टिंग सिस्टम में बॉटम रोल को गियर के द्वारा चलाया जाता है, जो बॉटम रोलर्स होते हैं उनको गियर के द्वारा चलाते हैं, जबकि टॉप रोलर्स बॉटम रोलर के संपर्क में आने पर चलते हैं. यानी हमारा एक बॉटम रोलर है, एक गियर की सहायता से नीचे गियर्स लगे होते हैं इसकी सहायता, अब इस पर ही हमारा ऊपर लगा है हमारा टॉप रोलर. अब जब ये बॉटम रोलर ऐसे मूव करेगा तो ये टॉप रोलर भी इसका मूव करेगा. ठीक है, और टॉप रोल निगेटिवली रिवन होते हैं, टॉप रोल बॉटम रोल के फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट में आकर बिना किसी फिसलन के चलते रह रहे, इसके लिए हम टॉप रोलर पर बैटिंग लगाते हैं. ठीक है, हम टॉप रोलर पर, यानी देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉटम रोल है, इसके ऊपर टॉप रोल लगा है. अब अगर ऊपर कुछ बैट नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर की निरंतर यानी कंटिन्यूसली चलेगा नहीं, तो इसके ऊपर कुछ बैट हम रख देते हैं जिसके कारण आराम से इसका फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट बना रहे और ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहे. तो इसके लिए हम बैट लगाते हैं, इसी के लिए हम इसे ड्राफ्टिंग सिस्टम इसी कारण हम करते हैं. बैटिंग के कारण टॉप रोलर पर प्रेशर पड़ता रहे और वो बॉटम रोल के कॉन्टेक्ट में रहते हैं. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है. कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग में बैटिंग के लिए हुक्स और डेड वेट का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह की बैटिंग सिस्टम में निम्न हानियां होती हैं, हमेशा टॉप रोल पर बराबर प्रेशर नहीं पड़ता है, कभी कभी आवश्यक से अधिक प्रेशर, कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और कभी कम प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, मॉडर्न ड्राफ्टिंग में स्प्रिंग एंड न्यूमेटिक अरेंजमेंट होता है, जो आजकल इंडस्ट्री में यूज होता है वो हमारा स्प्रिंग लोडेड या न्यूमेटिक अरेंजमेंट होता है, ज़्यादातर तो न्यूमेटिक ही होता है. इसके द्वारा हम रोलर पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन रहता है, इसको हम टॉप फॉर्म बैटिंग सिस्टम भी कहते हैं. देखिए यहाँ पे डेड वेट सिस्टम दिया गया है, देयर आर हमारा तीन प्रकार का होता है, पहला नॉर्मल बैटिंग सिस्टम, दूसरा सेडल और तीसरा हमारा लीवर. और टॉप आर्म बैटिंग सिस्टम है हमारा स्प्रिंग बैटिंग सिस्टम, न्यूमेटिक बैटिंग सिस्टम. ठीक है, हमारा दो प्रकार का होता है. ओके, तो गाइस आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक, मिलती है एक नई वीडियो में. और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, इस पे आपको मिल जाएगी. और हमारा व्हाट्सअप जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बीटेक पे से जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ. तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाम से जो भी टेलीग्राम हमारे चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करना ना भूलें. चलिए मिलते हैं नई वीडियो में.